नो no, मुझे क्यों देख रहे हो? स्टीम में देखो, स्टीम ये देखने में, स्टीम में ऐसा लगता है कि इतनी पास से स्टीम हो रही है, बट इसकी स्टीम एक्चुअली बहुत ही लाइट है ना। लाइट है मतलब काफी, अगर मैं यहाँ भी हाथ रखूँ तो भी कुछ भी गर्म नहीं गर्म है। नहीं है। एक्चुअल में ठंड बहुत ही ज़्यादा है, ठंड भी ज़्यादा है और इसको भी टीथिंग पेन बहुत ज़्यादा बहुत है ना, ज़्यादा है। हाँ तो बॉडी भी ना वीक हुई हुई है बॉडी बिल्कुल वीक उसकी हुई वजह है। से। मतलब उसको इतनी पेन होती है कि पूरा फील होता है कि वो ऐसे, मतलब ऐसे खा कराते सकती नहीं है। है मतलब, हाँ, वैसे उसे फील हो रहा है। अच्छा, इस तरीके से हम नूर को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसका नेक कंट्रोल जो है वो प्रॉपर हो चुका है। अगर नेक कंट्रोल नहीं होता तो मैं इस तरीके से बैठ के साथ में हम लोग स्टीम लेते दोनों। हाँ बट पहले जैसे होता था जब हम हीटर चलाते थे आज से ऑलमोस्ट मंथ पहले, तब हम इस टाइम तक टी शर्ट में होते थे, अब हीटर में भी हम दोनों भी फुल स्लीव्स में बैठे हुए नहीं, हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं तो जा रहा हूँ ना 2-3 दिन से बाहर, तो ठंड भी है और अजीब सा एक मतलब ना ओस टाइप मॉइस्चर है एयर हाँ में। हाँ हाँ तो गैस ये हमारे पास ऐसा वाला स्टीमर है जिससे जो स्टीम निकलती है ना वो बहुत, मतलब बिल्कुल गर्म नहीं है, बहुत हल्की स्टीम है जहाँ तक नूर तक पहुँच रही है, तो हम ऐसे दे रहे हैं। अगर आपके पास दूसरे स्टीमर्स हैं तो आप डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, थोड़ा दूर से दीजिएगा। और हमने रूम में हीटर चलाया हुआ है इसीलिए हम रूम में दे रहे हैं, बट अगर आपके पास हीटर नहीं है, आपका रूम ठंडा है, तो आप बाथरूम में जाके दरवाज़ा बंद करके फिर आप दूर से दे दो। बाथरूम में तो आप थोड़ा दूर भी खड़े हो जाओगे तो भी ठीक है, बट बेसिकली क्लोज रूम होना चाहिए और इसके बाद एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद ठंडा नहीं हो सकता, दरवाज़ा नहीं खुलना है, बिल्कुल, जो रूम का टेम्परेचर है वो मेनटेन्ड रहना है। तभी हम बिल्कुल रात को देते हैं। हाँ, और इसके बाद कोई कपड़े मत चेंज करो, कुछ भी मत करो, बस ऐसे का ऐसे सुला दो। एक और चीज़ है, मानो कुछ स्टीमर होते हैं जो ना पानी फेंकते हैं, हाँ तो अगर आप पहली बार स्टीमर यूज़ कर रहे हैं तो सीधा अपने बच्चे के ऊपर मत यूज़ करिए। हाँ पहले देख लीजिए कि स्टीमर चलता कैसे है, तो बेस्ट है कि भाई 2-3 मिनट चला के देखो कि पानी फेंकता है नहीं फेंकता। अगर पानी फेंकेगा और बच्चे को अगर आप सामने रखेंगे उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली जलने के डर चांसेस होते हैं। ज्यादा होते हैं। और हाँ दूसरा, काफ़ी लोगों ने स्टीमर का लिंक मांगा था, तो एक्चुअली मतलब जो लोग काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है, बट दोबारा रिएट्रेट करना ज़रूरी है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं या फिर कबीर और नूर के लिए यूज़ होता है, वो सब अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट में हमने लिस्ट करा हुआ है सबकी हेल्प करने के लिए, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप स्टोर फ्रंट में जाइए, अलग अलग कैटेगरी है जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, बुक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए, ये सब कुछ हमने रखा हुआ है, आपको जाके बस चेक करके देखना है। सो गाइज, विंटर तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इनफैक्ट बढ़ती जा रही है और काफ़ी ड्राई विंटर है इस बार। तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है, बड़ों को आ रही है, सबको आ रही है। मुझे कमेंट करके बताना कि आप अपने बच्चों की ड्राई स्किन के लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हो। मेरे बच्चों के लिए समथिंग जो वर्क कर रहा है वो है मामा अर्थ मिल्की सॉफ्ट बॉडी लोशन फॉर बेबीज़। मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे लगे, इसमें ओट्स है और मिल्क प्रोटीन है, दोनों ही इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं स्किन को नरिश करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए, और स्किन पे जो एलर्जीज होती हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, रैशेज होते हैं, उनको रिड्यूस या फिर बिल्कुल दूर रखने के लिए अगर आप प्रॉपर तरीके से मॉइस्चराइजेशन करते हो। ये 400 ml की बॉटल है, पम्प स्टाइल बॉटल है, बहुत इजीली यूज़ हो जाता है। थोड़ी सी क्वांटिटी, ऑलमोस्ट लाइक अ कॉइन साइज अमाउंट मैं निकालती हूँ और फिर लगाती हूँ। आइडियली आपको इसे बाथ के बाद लगाना है, बट करंट वेदर इतना ख़राब है कि मैं रात को सोने से पहले भी ज़रूर लगाती हूँ, जिससे कि स्किन जो है वो बिल्कुल फ्रेश फील करती है, बच्चे भी हैप्पी फील करते हैं। नहीं तो कबीर के साथ तो ये होता है कि उसको इतनी इचिंग होती है कि वो रात को जगा के भी हमें बोलता है कि मुझे खुजली हो रही है, तो आप खुजली करो। तो उसकी स्किन का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डीप नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्किन को सॉफ्ट सपल रखता है और बहुत ही आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें हर प्रोडक्ट में देखना बहुत ज़रूरी है, वो है कि वो मेड सेफ सर्टिफाइड होना चाहिए, जो कि ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसका मतलब इसमें कोई भी टॉक्सिन नहीं है, ये पीटा सर्टिफाइड है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से इसको बनाया गया है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्लेम करते हैं कि हम टॉक्सिन फ्री हैं, बट क्या वो रियली टॉक्सिन फ्री होते हैं? दैट इज समथिंग जो हर पेरेंट को रिसर्च करनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये उनकी वेबसाइट और उनके ऐप दोनों पे ही अवेलेबल है। खरीदते टाइम मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना, मॉमकॉम 2022, जिससे आपको मिलेगा एडिशनल 20% डिस्काउंट। वो आप उनका कोई भी प्रोडक्ट लोगे उनकी वेबसाइट से या ऐप से, तो आप ये कूपन कोड जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो मैं आपको ये बात पहले कई बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, कि जब आप ममाअर्थ की वेबसाइट से कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि वो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं टू अ ट्री जो वो आपके बिहाफ पे प्लांट करते हैं।
एंड 2025 तक उन्होंने 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने हैं, विच इज़ एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव। तो मैं लुक फॉरवर्ड करूंगी आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए कि आपके बच्चों की ड्राई स्किन पे क्या वर्क कर रहा है। सो डू लेट मी नो। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नूर। यस, नूर इज अप एंड भैया से बहुत लव मिल रहा है नूर को। आज सुबह से भैया आए हुए हैं, नूर को हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, क्योंकि भैया को पता है कि नूर की टीदिंग हो रही है और नूर में बहुत ज़्यादा पेन है। तो भैया इज़ लविंग हर सो मच। और नूर ने भी फीड ले लिया है अपना, फीड लेके ब्यूटीफुल एक बर्प कर लिया है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है नूर के साथ, राइट कबीर? यही बेटा, ला 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 ला। आज नूर के नेल्स कट होने वाले हैं। और जब से मैंने नेल कटिंग का बोला है, कबीर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी मैं नेल काटता हूँ इसके, ये बंदा मुझे रिमाइंड करता है कि जब ये 1 साल का था या 1.5 साल का था, तब मैंने एक नेल इसका थोड़ा हार्ड काट दिया था, थोड़ा ब्लड आ गया था, तो मुझे वो रिमाइंड करता रहता है कि भाई मेरा नेल तुम बहुत हार्ड काटते हो। भैया फर्स्ट पेंटिंग, ये देखो नूर, show me also. See, this is your first painting that you made. I think when he was around 1.5. I don't remember, 2.5. No, no, हमने यहाँ date लिखा हुआ है 10th November 2018. So that will be. By yourself. Daddy was just guided. Look at the modern art you've done. So beautiful. Dad ने इसको frame करा लिया था फिर. अपने फिंगर्स से बनाया था ये। हाँ, देख रहे हो, लग रहा है कोई फिंगर से बनाया हुआ। नूर को दिखाओ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। दिखाओ ऐसे। ओके, रेडी मामा? नूर, ओरे बाप रे बाप, स्लीप कराए आपको? जूसिंग गाइस, जूचे माया लड्डू पेड़ का। कबू दोनों हाथों से हाथ छोड़ रहा है। नूर को थोड़ा ऐसे एक्सरसाइज करो, बर्ब्स आ जाते हैं। हाँ, there is something in common between the two of you. What? Both of you have not taken bath today. Never. What are the common things between you and Noor? What? You guys have the same mother. Okay. Another similarity, Kabu, tell. Good morning, Noor. Good morning. इधर देखो, डैडी इधर है। Hi. हाँ, how are you? How are you? मसाज हो गया आपका, है ना? और दूध भी पी लिया आपने, और अभी आप रिलैक्स कर रहे हो, और अभी आप डैडी को थोड़ी देर बाद बोलोगे कि मुझे सुला भी दो, है ना बाबा? सुला दे आपको अभी, कि थोड़ी देर ऐसे ही चिल करना है। मामा बोलती है कि दूध पीने के बाद थोड़ी देर ऐसे करके सीधा बैठना चाहिए, तो मैं आपको ऐसे बिठा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद सुला दूँ? ओके। हाँ, और ये नूर की नई बेस्ट फ्रेंड है कबीर के अलावा, मतलब टॉयज़ में, और इसका नाम मम्मी ने पिंगा रखा है, और नूर को ये बहुत अच्छी लगती है ना? नूर को बहुत अच्छी लगती है ना? मुझे ये बहुत फनी लगता है, नूर को बहुत अच्छा लगता है। ट्वाइंग ट्वाइंग ट्वाइंग, हक कर लो, बाइट नहीं करना, बाइट नहीं करना, हक करना है बस। आपको मिटन्स भी पहनाने, मैंने सॉक्स पहना दिए। ओके, बट लिसन, योर मसाज इज डन, योर मसाज इज डन, भैया इज हियर, हिज क्लास इज ऑल्सो डन। नाउ वॉट यू वांट टू से? यू वांट टू गो समवेयर? यू हैव बीन हाईजैक्ड। हाईजैक कर लिया भैया ने, लव। कौन है ये बंदा? कौन है ये? हु इज दिस पर्सन? हु इज दिस पर्सन? हाँ, हु इज ऑलवेज कमिंग? Who is this person? Mama. He's always like that. Always. Oh no. Makes so much noise. He makes so much noise. We were sleeping so quietly. बिल्कुल noise नहीं था। भैया ने आके चै चै पै पै टी टा पू पा यी आ ऊ सब शुरू कर दिया ना। भैया is the real funny person. You will not believe this. Okay, guys. Tell me. आपसे मैंने पूछ के करा था नूर, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम?
भैया कितना लव करते हैं आपको भैया, सोते हुए किसेस करता है, उठती है किसेस करता है। हाँ तो फिर क्या बोले भैया को, वो दो आ गया भैया, आ गया भैया, आ गया, दैट्स भैया, दैट्स भैया। भैया ये करेंगे आपके साथ पूरी लाइफ। छोटे भाइयों को और बहनों को ना ये सहना पड़ता है अपने बड़े भैया और बड़े सिस्टर का लव ऐसे करके। हाँ आपको भी करना पड़ेगा, आपको तो पूरी लाइफ ये मसल मसल के ऐसे खा जाएगा। कबीर कैन आई आस्क यू वन थिंग, आप भी कर दो ना किसी।